अब से थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राज्यसभा में बयान देंगे और सदन को तवांग में हुई झड़प की जानकारी देंगे। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प में दोनों देशों के कई सैनिक घायल हुए हैं। चीन से झड़प पर रक्षा मंत्री ने लोकसभा में बयान दे दिया है। राजनाथ सिंह ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि तवांग के यांगसे में चीन ने अतिक्रमण की कोशिश की, भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों को अतिक्रमण से रोका, दोनों देशों की सेनाओं के बीच हाथापाई हुई, भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों को वापस भेजा। झड़प में दोनों देशों के कुछ सैनिक घायल हुए हैं, भारत का कोई सैनिक गंभीर रूप से घायल नहीं है। झड़प के बाद दोनों पक्षों के बीच एक फ्लैग मीटिंग हुई। ये मसला चीन के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से, अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं, और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ तमाम सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। उपसभापति महोदय, 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। उपसभापति और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर हैं। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा, और अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त हूं यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम और प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय रक्षा मंत्री के अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में
9 दिसंबर 2022 को जो घटना घटी उसके बारे में एक विस्तृत वक्तव्य तो लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी अपना स्टेटमेंट दे दिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और उन्होंने बताया कि जो हिमाकत चीन ने करने की कोशिश की थी उस हिमाकत को भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। विश्वास और भरोसा देश की सीमाओं की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने में भी हमारे सैनिक सदैव तत्पर हैं और रहेंगे। माननीय सदस्य यह एक संवेदनशील विषय है। जैसा माननीय रक्षा मंत्री जी ने बताया सरकार उत्पन्न हुई स्थिति को पूरी गंभीरता के साथ ले रही है और सभी आवश्यक कदम उठा रही है। मुझे विश्वास है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर पूरा सदन एक है और एक मत से हम यह संदेश इस सदन से देना चाहेंगे कि देश की सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने में सभी दल और पूरा देश एक साथ है। माननीय सदस्यगण मैं आपको बताना चाहूंगा इस सदन के अतीत के कुछ उदाहरण। सेशन नंबर 210 में 6/3/2007 को नक्सल अटैक ऑन श्री सुशील कुमार महतो एमपी लोकसभा इस विषय पर, फिर सेशन नंबर 212 26/11/2007 को सीरियल बम ब्लास्ट यूपी, फिर सेशन नंबर 215 13/3/2009 को फॉलो अप मुंबई टेररिस्ट एक्ट, फिर 215 सेशन में 18/2/2009 को सिचुएशन इन श्रीलंका, इन संवेदनशील विषयों को देखते हुए क्वेरी पूछने के बहस करने की आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ी। इसलिए इस पर भी जो क्वेरी आए हैं मैं निवेदन करता हूं कि कोई क्वेरी इस पर नहीं होगी। धन्यवाद। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 मेडिकल स्कूल्स, सम क्लेरिफिकेशन इज नीडेड। व्हाट इज दिस सर? व्हाट फाइट दिस इज नॉट पॉसिबल। डॉक्टर डीपी बट सभापति जी आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि यूजी और पीजी खासकर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स कंटिन्यूअसली फॉलिंग वैकेंट हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में भी अपना बयान जारी कर दिया है, जिसके बाद विपक्षी दलों की तरफ से जबरदस्त हंगामा भी किया जा रहा है। लोकसभा में भी यही देखने को मिला। दरअसल विपक्ष मांग कर रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान पर चर्चा भी की जाए। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने बयान में ये बता दिया है कि 9 दिसंबर को झड़प हुई, एक तरफा कब्जा करने की कोशिश की गई चीनी सेना की तरफ से, लेकिन उसे भारतीय सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब मिला, जिसमें भारतीय सेना के कुछ जवान थोड़े मामूली चोटों के साथ घायल हुए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।